गुड मॉर्निंग डियर लर्नर, हम आज यहाँ पर 12th क्लास का जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। उसके बारे में अभी पढ़ेंगे कि जो 2022 के पाठ्यक्रम में आरबीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 12th क्लास का जो आपका एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम रहता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है और कौन कौन से टॉपिक आपको 12th क्लास के लिए पढ़ने हैं। एक एक टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो आप एग्रीकल्चर को पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर होता क्या है, और 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही आपने पढ़ा होगा कि कृषि विज्ञान की जो शाखाएं होती है उनमें से कुछ शाखाएं आपने पढ़ी है। एग्रीकल्चर की बहुत सी शाखाएं हैं। एग्रीकल्चर किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं है, एग्रीकल्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एक्चुअली। तो वो कॉम्बिनेशन है, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स का रहता है। उसमें प्लांट पैथोलॉजी आता है, एग्रोनॉमी आता है, एंटोमोलॉजी आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आता है, लाइक ऐसे सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है, वो चलता रहता है एग्रीकल्चर में, कृषि विज्ञान में। तो एग्रीकल्चर में आपने अब तक 11th क्लास में एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान, और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन के बारे में पढ़ा है। जो आपका एग्रोनॉमी का पोर्शन था, उस एग्रोनॉमी के पोर्शन में आपने अब तक जो पहले 6 चैप्टर थे आपके 11th क्लास में, उन 6 चैप्टर में से पहले से लेकर के पहले में ब्रांचेज पढ़ा, दूसरे में मौसम के बारे में पढ़ा, इस प्रकार 6ठे चैप्टर में आप सिंचाई तक पढ़ लेते हैं यानी कि इरीगेशन तक पढ़ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद में अगर एग्रोनॉमी में हम बात करें कि क्या पढ़ते हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, एक्चुअल में मीनिंग एग्रोनॉमी का यही होता है, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। तो किस प्रकार मैनेज किया जाता है, किस प्रकार क्रॉप्स के बारे में, सोयल के बारे में, सीड के बारे में, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों के बारे में जाना जाता है इसमें। अच्छा, हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें, हिंदी में उद्यान विज्ञान कहा जाता है, फल सब्जियों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, फल सब्जी मसाले औषधीय फसलें ये सब कुछ, इनको मैनेज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, इनको कल्टीवेट कैसे किया जाता है, इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में हिंदी में पशुपालन कहते हैं, और पशुपालन में आप अब तक कुछ इसकी जनरल इंफॉर्मेशन, लाइक इनके लिए किसको कितना स्थान चाहिए होता है, इनको चारे के लिए क्या चाहिए होता है, चारा किस प्रकार है, किस प्रकार तैयार, साइलेज किस प्रकार तैयार किया जाता है, ये 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा, अब 12th क्लास में आपको इससे रिलेटेड क्या पढ़ना है, लाइक गाय भैंस भेड़ बकरियां ये सब चीज, ऊंट, कुछ रोग है, कुछ क्रांति है जैसे श्वेत क्रांति वगैरह, यहां पर आपको पढ़नी है। हॉर्टिकल्चर में आप सब्जियों के बारे में पढ़ चुके हैं, फूलों के बारे में, औषधीय फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। 12th क्लास का जो कंप्लीट पोर्शन है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, फलों के इर्द गिर्द घूमता है, फलों की बहुत सारी जानकारी आपको 12th क्लास में मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर दूं कि आरबीएससी ने सिलेबस रिपीट जरूर किया है, या फिर यूं कहें कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है, बिल्कुल डिटो ही है। इसके इंटरनल पार्ट्स में यानी कि जो हम अंदरूनी चीज़ें पढ़ेंगे उनमें कुछ चेंजेस हो सकता है। तो इसकी कुछ 6 यूनिट है वो एग्रोनॉमी की है। पहली इकाई में आप पढ़ते हैं एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान में सबसे पहले आपका जो पहला चैप्टर है उसमें 3 चीजें पढ़ते हैं। 3 चीजें कौन कौन सी, सस्य विज्ञान, मृदा और बीज। सस्य विज्ञान में आप पढ़ेंगे सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस और उसका स्कोप क्या है, यानी कि कहां कहां पर। अच्छा, दूसरा जो आपका पोर्शन रहता है पहले ही चैप्टर का, उसमें आप पढ़ते हैं सोयल के बारे में, सोयल इरोजन कैसे होता है, मृदा क्षरण बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद में मृदा उर्वरता किसको कहते हैं, मृदा उत्पादकता किसको कहते हैं, यानी मृदा के आसपास आपका टॉपिक घूमता है। तीसरा जो टॉपिक रहता है वो रहता है बीज का, तो बीज कितने प्रकार के होते हैं, बीज किसे कहते हैं, बीज के अच्छा बीज कौन सा है, बुरा बीज कौन सा है, बीज उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, और डोरमेंसी ऑफ सीड यानी कि अच्छी खासी अवस्था में भी जो सीड है
वो डोरमेंट रहता है, यानी कि सुसुप्त रहता है, यानी कि ग्रो नहीं करता। तो पहले चैप्टर में ये पढ़ते हैं आप। दूसरे चैप्टर में फिर तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। देखो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है जैविक खेती का, जैविक और ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती की परिभाषा क्या है, महत्व यानी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, और इसमें उपयोग होने वाले जैविक खाद है, गोबर खाद है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद के आसपास ये चैप्टर घूमता है। किस प्रकार नेडेप विधि है, बेंगलोर विधि है, ये किस प्रकार बनाते हैं खाद को, ये सारी चीजें इनमें पढ़ी जाएंगी। दूसरा जो टॉपिक आता है आपका जैव उर्वरक के बारे में, जैव उर्वरक राइजोबियम हो गया, पीएस भी बोल देते हैं, फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजर, बैक्टीरियाज हो गए, उनका प्रयोग क्या है और उपयोग की किस किस मेथड से आप उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि पंचांग, कीट व व्याधियों का जैविक नियंत्रण, यानी कि ये सारा चैप्टर जैविक खेती के ही आसपास घूम रहा है, यहाँ से आप समझ सकते हो। टिकाऊ खेती और इसकी सामान्य जानकारी लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ी जाएगी। इसके बाद में आपका आता है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में अगर आप बात करें तो थर्ड चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर रहता है। आपने एक सिंचाई का चैप्टर पढ़ा है इलेवंथ क्लास में, इलेवंथ क्लास में जो सिंचाई का चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा है कि कहाँ कहाँ से स्रोत आते हैं, कहाँ कहाँ से पानी मिलता है, और जैसे कुएं हो गए, तालाब, नदियाँ, इनके बारे में पढ़ा है। और जो राजस्थान में परंपरागत यानी ट्रेडिशनल यानी कि पुराने समय में जिन विधियों का उपयोग किया जाता था कि कैसे पानी कुएं से निकाला जाता है, बैल से, बाल्टी से किस प्रकार पानी निकाला जाता था, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। इस सिंचाई में आप पढ़ेंगे कि आवश्यकता क्या है उसकी, समय क्या है, कौन सी फसल को किस समय पानी देना है, कौन सी फसल को कितने पानी की आवश्यकता है, और जैसे दलहनी फसलों में कुछ कम पानी की आवश्यकता होती है, खास करके हमारे राजस्थान में उगाई जाने वाली फसलें। अच्छा, उसके अलावा किस समय पानी की आवश्यकता है, जैसे सिंचाई के लिए जो गेहूं है उसको सीआरआई स्टेज, सिर्फ जड़ निकलना बोल देते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो सीआरआई स्टेज इंपॉर्टेंस है। तो लगभग सभी प्रकार की फसलों को इसके बारे में पढ़ा जाएगा। चलिए देखते हैं, सिंचाई आवश्यकता अनुसार, समय और मात्रा, और सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियां मुख्यतः तीन से चार टाइप की होती हैं, ये भी आप पढ़ेंगे, जिसमें ड्रिप इरिगेशन आता है, बूंद बूंद सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर इरिगेशन आता है, फुहारा विधि, ये सारी की सारी तीन चार जो विधियां हैं वो इसमें पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आता है आपका फोर्थ चैप्टर। अच्छा, ये टॉपिक छोटा जरूर रहता है, लेकिन ये मान लीजिए कि नॉलेज के अकॉर्डिंग अच्छा टॉपिक है, मार्किंग के अकॉर्डिंग छोटा टॉपिक है, कम मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, लेकिन नॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा टॉपिक है। अगला जो टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है खरपतवार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वीड। अच्छा, वीड की डेफिनेशन या खरपतवार की परिभाषा की बात करूं तो ऑफ टाइप प्लांट्स, यानी कि जो पौधे आपने नहीं लगाए हैं और वो पौधे खेत में उग जाते हैं, और जो पौधे आपने फसल लगाई है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। अच्छा, खरपतवार कहलाते हैं। अब इनमें खरपतवारों की परिभाषा क्या है, खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं, जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो गए, या संकरी पत्ती वाले खरपतवार हो गए, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, यानी कि अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है इनका। अच्छा, इनका वर्गीकरण हो गया, इनकी परिभाषा हो गई, फिर इनको नियंत्रण भी तो करना होता है, या फिर उससे पहले इनका गुणन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, इनका किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, या बीज की सहायता से या तने की सहायता से, या किस प्रकार खरपतवार आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा खरपतवारों को नियंत्रण करने के जो जैविक तरीके हैं, रासायनिक तरीके हैं, यांत्रिक तरीके हैं, वो पढ़े जाते हैं। तो खरपतवार की परिभाषा है, विशेषताएं हैं, वर्गीकरण है, हानियां क्या होती है खरपतवार से, विस्तार एवं गुणन की विधियां हैं, खरपतवारों को नियंत्रण कैसे करते हैं वीड कंट्रोल, यांत्रिक विधि है, रसायन प्रयोग करके यानी वीडिसाइड प्रयोग करके, बायोलॉजिकल जो मेथड है वो इसमें आते हैं। आगे आता है शुष्क कृषि। पांचवें चैप्टर को फिर तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, शुष्क कृषि, फसल चक्र और भूपरिष्करण में। इनमें सभी के परिभाषा पढ़नी है, महत्व पढ़ना है, सिद्धांत पढ़ने हैं, और भूपरिष्करण में प्रकार भी कितने टाइप का होता है भूपरिष्करण। अच्छा, शुष्क कृषि में आपने परिभाषा, महत्व और सिद्धांत के बारे में वर्णन कर लिया। फसल चक्र में आपने यानी कि क्रॉप रोटेशन, यानी कि क्रॉप को बदल बदल कर बोना, अदल बदल कर बोना, क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र कहलाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। परिभाषा क्या है, महत्व क्या है और सिद्धांत क्या है। अगला भूपरिष्करण यानी कि टिलेज,
अब टीलेज के कितने टाइप होते हैं, प्राइमरी टीलेज, सेकेंडरी टीलेज, वो पढ़ा जाता है, परिभाषा पढ़ी जाती है, और टीलेज क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या है इनका, जैसे भूमि नरम हो जाती है, समतल हो जाती है, अंकुरण के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो मिल जाती है, तो ये सारी चीजें भू पृष्ठकरण में पढ़ेंगी। अगला जो छठा चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसमें सस्य विज्ञान की लगभग क्रॉप्स क्लियर हो जाती है, और ये मैं आपको कहूंगा कि जब आप ट्वेल्थ के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर करने जाएंगे और वहां पर हर साल हर सेमेस्टर में जब आपसे एग्रोनॉमी का जिक्र किया जाएगा तो फसल के बारे में जरूर जिक्र किया जाएगा, और फसल के बारे में जहां पर जिक्र आ गया वहां पर यही फसलें पढ़ी जाएंगी मुख्य तौर पर, कोई 2-4-5 बढ़ सकती हैं इसके अलावा, बाकी ये मुख्य तौर पर यही फसलें पढ़ी जाएगी। इन फसलों का क्या क्या पढ़ना है, एक तो बोटेनिकल नेम, वनस्पति के नाम, फैमिली कौन सी है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, अच्छा कुछ में जैसे इंपॉर्टेंस की बात करें तो अनाज में, अनाज वाली फसलें होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है एनर्जी के लिए, इसमें दलहन फसलों में प्रोटीन पाया जाता है, तिलहनी फसलों में फैट प्रेजेंट रहता है, चारे वाली फसलें जानवरों के काम आती है, रोकड़ फसलें अलग अलग काम आती है, रेशेदार फसलें कपड़े उद्योग के लिए काम में आती है, मसालेदार फसलें जीरा धनिया मेथी सौंफ यानी कि ये जो बीजीय मसाले हैं ये काम में आते हैं, अलग अलग काम होते हैं इनके। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि बीजीय मसाले हैं, बीजीय मसालों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। बीजीय मसाले जो हम पढ़ेंगे उन सभी में टोटल बीजीय मसाले देखें तो टोटल बीजीय मसाले, अच्छा मेथी का बीज प्रयोग किया जाता है, सौंफ का, धनिए का, जीरे का बीज तो प्रयोग किया जाता है इसलिए बीजीय मसाले बोल देते हैं, और बीजीय मसालों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, याद रखना है। अच्छा कौन सी जलवायु में उगते हैं, रबी सीजन की क्रॉप है या खरीफ सीजन की क्रॉप है, ये भी आपको देखना है। कौन सी मृदा में सूटेबल है, फील्ड प्रिपरेशन क्या रहती है, वैरायटी क्या है, सीड रेट क्या रहता है, कौन सी फसल में कितना बीज डालना चाहिए, और बीज बोने से पहले उसको उपचार करना है, अच्छा उपचार कर दिया उसके बाद में हमें बुआई के समय का पता होना चाहिए, बुआई के समय के बाद में बुआई की विधि का पता होना चाहिए, और उसमें डाले जाने वाले खाद यानी कि फर्टिलाइजर का पता होगा। इरीगेशन जो हम पिछले चैप्टर में बात की थी सिंचाई वाले में इरीगेशन के बारे में, यहाँ पर इंटरकल्टिवेशन, अंतराकृषि आ गया, पादप संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में, और कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग, गड़ाई और उपज, यील्ड कितनी रहती है लास्ट में ये पढ़नी है। तो कौन कौन सी क्रॉप है यहां पर हम बात कर लेते हैं। अनाज वाली फसलों का मैंने कहा कि ये कार्बोहाइड्रेट देती है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है, ये ध्यान रखना है आपको। धान है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, गेहूं, जो इन ये जो छह फसलें हैं ये पढ़ी जाएगी, छह फसलें ये है। इसके बाद में दलहनी फसलें प्रोटीन देने का काम करती है, प्रोटीन शरीर निर्माण का काम करता है, तो कौन कौन सी फसलें हैं, उड़द, मूंग, मोठ, चना, अरहर, चमला, तो ये छह फसलें हैं। तिलहनी फसलें हमारे शरीर में वसा, जैसे तेल है तो तेल, तिलहनी फसलों में तेल ही तो पाया जाता है, तेल है जो चिकनी चीजें होती है वो क्या है हमारे शरीर में वसा देने का ही काम करती है, वसा ऊर्जा भंडारण का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है, ये ऊर्जा भंडारित करते हैं। कौन कौन सी फसलें हैं, सरसों, तारामीरा, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अलसी, सूरजमुखी, अच्छा सरसों उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, तो सात फसलें ये रहती हैं। उसके बाद में चारे के लिए दो फसलें हैं, रिजका और बरसीम, और रोकड़ फसलों में गन्ना जो शुगर मिल में प्रयोग किया जाता है जिसका गुड़ और चीनी बनाने में, आलू है एक सब्जी की फसल है लेकिन रोकड़ फसलों में आती है तो यहाँ पर पढ़ लिया जाता है, यहाँ पर ग्वार आ गया, आप सभी जानते हैं ग्वार के बारे में, तो तीन फसलें ये रहेंगी। रेशेदार फसलों में कपड़े वाली जो होती है, कपड़ा उद्योगों में काम में ली जाती है, कपास और सनई, जूट का जिक्र नहीं है यहाँ पर, तो ये दो फसलें यहाँ पर पढ़ी जाएंगी। मसालेदार फसलों की पहले ही बात कर ली, और मसालेदार में भी बीजीय मसाले आते हैं आपके चार, कौन कौन से हैं, जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ, तो चार और चार 8 और 3 11 और ये हो गई 23 और 37 अप्रोक्सीमेट 30 फसलें हैं जो सस्य विज्ञान में आप पढ़ते हैं, और इन फसलों की ये चीजें आपको पढ़नी है, ये चीजें आनी है, और बाकी फालतू की चीजें हम नहीं पढ़ेंगे और ना ही पेपर में पूछी जाती है। दूसरी जो इकाई रहती है, जो दूसरी इकाई है उसको उद्यान विज्ञान के नाम से जाना जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में देखो आप
फल सब्जियां मसाले औषधीय फसलें इन सभी फसलों के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा हॉर्टिकल्चर में एक्चुअल में मेरे को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है तो थोड़ा सा हाँ, तो हॉर्टिकल्चर में क्या है कि सब्जियां मसाले औषधीय फसलें और जो नर्सरी वगैरह है इसके बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और वो 11th क्लास में पढ़ा हुआ यहां पर काम आएगा 12th क्लास में। लेकिन जो 12th क्लास की हॉर्टिकल्चर है वो सारी की सारी किसके आसपास घूमती है, फलों के आसपास घूमती है। सारे के सारे फल हैं इसमें। जैसे देखो पहला चैप्टर फलों के उत्पादन का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, कि ये सीधा सा महत्व है। फलों से हमें, हमने बात की अनाज वाली फसलों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दलहनी फसलों से हमें प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है तिलहनी फसलों से। अब इसके बाद विटामिन और मिनरल्स रह जाते हैं ना, विटामिन और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, फलों उत्पादन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है। अच्छा इसका फलों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अच्छा स्थिति और भविष्य क्या है, क्या फ्यूचर है इसमें। एक टॉपिक रहता है आपका पादप प्रवर्धन का। पादप प्रवर्धन इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट प्रोपेगेशन, या फिर आप यूं बोल दीजिए कि इसमें हम पौधों के प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल और असेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक होते हैं, उनके बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे। अच्छा पादप प्रवर्धन हो गया, जैसे कोई काट करके पौधा लगा दिया, बडिंग द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा, इस प्रकार की विधियां हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। एक्चुअल में पढ़ने में मजा आएगा इस टॉपिक को। फलोदान प्रबंधन, फलोदान प्रबंधन में क्या है, फलों को लगाने के लिए या लगाने से पहले या लगाने के बाद में उसका किस प्रकार प्रबंधन किया जाता है। सबसे पहले उसके स्थान को चुनना है कि किस जगह पर लगाना है, फिर उसकी मृदा को देखना है, फिर उसका देखना है कि कौन सा फल लगा रहे हैं, कौन सी किस्म लगा रहे हैं, अच्छा वो किस्म सूटेबल है, कितनी दूरी पर लगेगी, ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो देखिए क्या पढ़ते हैं, स्थान का चुनाव, योजना बनाएंगे, फिर रेखांकन यानी कि कितनी दूरी पर लगेगी, फिर गड्ढे तैयार करेंगे। इनके पौधे होते हैं ना, नर्सरी में तैयार किए गए पौधे होते हैं, तो वो गड्ढे तैयार करके इन पौधों को लगाएंगे, पौधे लगाना और सामान्य देखभाल भी रहता है। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक आता है इसमें तीन, फिर इसको चार भागों में विभाजित करेंगे इस चैप्टर को हम। जो चौथा दूसरा टॉपिक आता है मौसम की प्रतिकूल दशाएं और उनसे बचाव, फसल पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है और उनसे बचाव क्या था। देखो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए, या फिर बहुत तेज हवाएं चलने लगे, बहुत तेज गर्म हवाएं चलेंगी, लू कहलाती है, तो वो सारी की सारी इसमें पढ़ा जाएगा कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और जो फसल है, जो पौधा है, उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है इन सब से। तो अब इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा उद्यानों में एफलन की समस्याएं व उनका समाधान। एफलन होता है अनफ्रूटफुलनेस, इंग्लिश में इसको अनफ्रूटफुलनेस के नाम से जाना जाता है। अच्छा अनफ्रूटफुलनेस का मतलब होता है कि पौधे में फल न लगना। जैसे आम की लंगड़ा किस्म के बारे में आपने कभी ना कभी खाई होगी या कभी ना कभी देखी होगी। तो लंगड़ा किस्म का नाम ही लंगड़ा इसलिए है कि वो एक सीजन तो यानी कि एक साल तो फल देता है, एक साल नहीं देता है, तो वो लंगड़ा किस्म कहलाती है। तो एफलन की समस्या है यानी कि फल न लगना या ना के बराबर लगना, तो उसको किस प्रकार सही से करेंगे, उसकी क्या क्या समस्याएं आती है, वो किस प्रकार उत्पन्न होती है और उसका समाधान क्या किया जा सकता है। फोर्थ टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इसका पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। यानी कि ये भी रसायन होते हैं, पोषक तत्वों की तरह हैं, और ये जो रसायन होते हैं ये वृद्धि को कम भी करते हैं और वृद्धि को बढ़ाते भी हैं। तो इनके बारे में जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइलिन, जिब्रेलिन, ये सारी चीजें, इथाइलिन, इनके बारे में पढ़ा होगा। अच्छा आपने कभी भी ये सुना होगा कि केले को इंजेक्शन लगा करके पकाया जाता है या रसायन की वजह से लगाया जाता है, लेकिन आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद ये नहीं कहेंगे आपकी केले को रसायन लगा करके पकाया गया, इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है उसमें, वो पौधों में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। आगे जो टॉपिक आता है वो तीसरा टॉपिक रहता है आपका, तीसरा टॉपिक क्या है आपका, फलोदान। फलोदान यानी कि फलों का, जो भी फल पढ़ेंगे उसका वानस्पतिक नाम पढ़ना है, फैमिली पढ़नी है, इंपॉर्टेंस क्या है, जलवायु, भूमि, किस्में, प्रोपेगेशन मेथड कौन सा है जो पीछे हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं, पौधरोपण यानी प्लांटेशन या प्लांटिंग, फर्टिलाइजर, इरीगेशन, निराई गुड़ाई यानी कि वीडिंग बोल देते हैं इसको, और यील्ड क्या है, प्लांट प्रोटेक्शन किस प्रकार किया जा सकता है, कौन कौन सी फसलों का, देखो फसलें आ गई,
आम, नींबू, राजस्थान में होने वाली फसलें हैं, सारी ध्यान रखना है, राजस्थान में होने वाली सारी की सारी फसलें हैं। आम है, आम के बारे में जानेंगे, नींबू के बारे में, संतरा, केला, अमरूद, अनार, पपीता, अंगूर, आंवला, बेर, खजूर और बेल के बारे में हम जानकारी लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है एक्चुअल में, हर एक फसल के बारे में जानना, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो वैसे ही एक्साइटेड हो रहते हैं कि कोई ना कोई फसल के बारे में, कोई ना कोई पौधे के बारे में अलग से जानने को मिले, तो इन पौधों के बारे में आपको इस चैप्टर में जानने को देखने को मिलता है। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब फल परिरक्षण यानी कि फलों को लंबे समय तक किस प्रकार से, आपने देखा होगा कि फल और सब्जियां हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं, गेहूं है या फिर जो सीरियल क्रॉप हैं, दालें हैं, वो लंबे समय तक सामान्य तापमान पर या सामान्य घरों में खराब नहीं होती। फल हैं वो लाएंगे 10 दिन 5 दिन 2 दिन 10 दिन बाद खराब हो जाते हैं, तो सब्जियां भी ऐसी होती है। अच्छा, इनको संरक्षित रखने के लिए आप क्या करते हो, फल परिरक्षण, लंबे समय तक इनको संरक्षित रखा जाता है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, महत्व और भविष्य क्या है। वर्तमान स्थिति अगर मैं एक शब्द में बोलना चाहूं कि भारत में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो भाई खराब है। भारत में जितने भी फल उत्पन्न होते हैं उसका 1% ही क्या है कि फलों का परिरक्षण किया जाता है। और कुछ देश जैसे आप पढ़ेंगे चैप्टर में, स्विट्जरलैंड है या अमेरिका है, जो वेल डेवलप्ड अच्छी विकसित कंपनियां सॉरी देश हैं, वो ज्यादा परिरक्षण करते हैं, फलों को बचाते हैं। अच्छा, भारत की वर्तमान स्थिति, महत्व और भविष्य, फल परिरक्षण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स क्या है कि क्या क्या मेथड प्रयोग किया जाएगा। फल और सब्जियों की डिब्बाबंदी यानी कि उनको बॉक्स में आपको फिट करना है, पैकिंग। क्या क्या चीजें बनानी सीखेंगे यहां पर, आपने कभी ना कभी जैम और जेली तो खाया ही है, जैम जेली मुरब्बा अचार ये सब खाए हैं, टमाटर का सॉस खाया है, तो इनको बनाने के तरीके सीखेंगे हम यहाँ पर। जैम को किस प्रकार बनाया जाएगा, जेली को, मुरब्बे को, पानक, टमाटर सॉस, अचार, यानी कि इन सभी चीजों को ये चैप्टर पढ़ने के बाद में ये सभी चीजें बनानी आ जाएंगी आपको, ठीक है। ये यहां पर आपका हॉर्टिकल्चर का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा जानवरों के पोर्शन में घुसेंगे, और पशुपालन और एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है इसको। अच्छा, पशुपालन में हमें देखना है, पहला चैप्टर है पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व, पशुओं का प्रबंधन करना है किस प्रकार, गौ उत्पाद, दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर का महत्व, यानी कि दूध क्या महत्व रखता है, दही का क्या महत्व है, घी का, गौमूत्र जो देसी गायें होती है उनका गौमूत्र किस प्रकार काम करता है, रामदेव बाबा है वो सारा दिन लगे रहते हैं गौमूत्र पीना चाहिए, गौमूत्र पीना चाहिए, वो गौमूत्र किस प्रकार आपके शरीर में काम करता है, वो चीजें हमें पढ़नी है। अच्छा, आपने पहली कई एग्रोनॉमी में आपने पढ़ा था कुछ फसलों के बारे में, अनाज वाली फसलें, दालें वाली, तिलहनी, चारे वाली, इस प्रकार की फसलें पढ़ी। दूसरी जो इकाई थी उसमें कुछ फलों के बारे में पढ़ना, और यहां पर आप कुछ नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, नस्लों का उत्पत्ति स्थान पढ़ना है आपको, ओरिजिन कहाँ हुआ है, कहां से वो विकसित होना स्टार्ट हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कहां कहां पर वो रहती है, उनकी विशेषताएं क्या रहती है, वो किस काम में आती है, कितना दूध देती है, उनके दूध में क्या वसा रहती है, तो ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है गाय। हिंदू धर्म की जो गाय, अच्छा, गिर अपने बड़े बड़े सिंगों के लिए मशहूर है, लाल रंग की होती है, थोड़ा सा रेडिश सा कलर होता है। थारपारकर और हरियाणा सफेद रंग की होती है, बहुत सुंदर ऊपर कुबड़ देखने को मिलता है। ये द्विकाजी होती है, दूध भी देती है और खेत में भी काम कर सकते हैं। नागौरी मालवी, नागौरी राजस्थान के नागौर क्षेत्र में पाई जाती है, अच्छी नस्ल होती है, मालवी मेवाती पाई जाती है। राठी जिसका लाल रंग होता है, जो हमारे यहाँ पर सामान्यतः देसी गाय के नाम से मशहूर है, वो राठी है। अच्छा, जर्सी और एचएफ, ये थोड़ा कॉमन है, एचएफ और जर्सी, तो जर्सी और एचएफ दोनों ही विदेशी गायें हैं। होलिस्टीन फ्रीजियन को एचएफ बोला जाता है, हमारे यहाँ सामान्य भाषा में इनको अमेरिकन गा या अमेरिकन गा बोल दिया जाता है। जर्सी का रंग है थोड़ा सा रेडिश सा होता है, और ये थोड़ी सी नीचे लंबाई इसकी सॉरी जो ऊंचाई है उसकी कम होती है, एचएफ थोड़ी ऊंची होती है, इसका रंग सफ़ेद होता है, उसमें काला होता है, उसमें सफ़ेद धब्बे से दिखाई देंगे या सफ़ेद होगा काले धब्बे दिखाई देंगे, मिक्स ही होती है। अच्छा, ये ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाती है। अच्छा, दूध की बात करें तो दूध बहुत होता है, लगभग इन देसी फसलों से लगभग 2 गुना दूध होता है इनमें, तो ये सारे पढ़ेंगे। भैंस,
मुर्रा, भैंसों में सबसे सुंदर भैंस मुर्रा। बदावरी पढ़ेंगे, सबसे हल्की नस्ल सूरती पढ़ेंगे, नीली रावी जो पंजाब में रावी नदी के आसपास पाई जाती है, जाफराबादी और महसाणा नस्ल को भी पढ़ेंगे। बकरी जमुनापुरी, बारबरी, बीटल बहुत अच्छी नस्ल है, टोगनबर्ग है, सिरोही क्षेत्र में पाई जाती, सिरोही है। भेड़ में मारवाड़ी, वोकला नहीं यहां पर, चोकला आएगा, मारवाड़ी है, मेरिनो, मालपुरो, कराकुल, अविवस्त्र, अविकालीन, जैसलमेरी, चोकला। चोकला वो भेड़ है जो वर्गाकार होती है, वर्गाकार का मतलब है कि जिसकी लंबाई और ऊंचाई बराबर होती है, लंबाई और ऊंचाई बराबर होती है, चौरस होती है, चोकला नाम पड़ गया, वर्गाकार होती है। ऊंट बीकानेरी, वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम, यानी कि दुनिया का सबसे सुंदर ऊंट है बीकानेरी, बीकानेर में पाया जाता है। जैसलमेरी, जैसलमेरी किस काम आता है कि जो बॉर्डर पर जो आपके फौजी रहते हैं, जो आर्मी मैन रहते हैं, वो क्या करते हैं कि इन ऊंटों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर घोड़े हैं, गाड़ियां हैं, कम चलती है, उनको रात को चलना होता है, तो वो ऊंटों का इस्तेमाल करते हैं। और जैसलमेरी ऊंट सबसे तेज चलता है इन तीनों में से। मेवाड़ी है वो थोड़ा सा जैसलमेरी और बीकानेरी की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, उसका कद काठी इतना नहीं होता है, वो मेवाड़ी ऊंट है। और इन सभी ऊंटों का प्रबंधन, इनका रख रखाव किस प्रकार किया जाता है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा चैप्टर आता है इसमें रोगों का, पशु रोगों के कारण, किस कारण वो बीमारी हुई है, वो कैसी बीमारी दिखती है, उसको आने से पहले किस प्रकार रोका जा सकता है, और बीमारी आ जाए तो उसका उपचार कैसे करेंगे। रोकथाम और उपचार में अंतर रहता है। रोकथाम तो रहता है कि बीमार पशु के बीमार होने से पहले उसको क्या दिया जा रहा है, वो किस परिस्थितियों में रह रहा है, खाने के लिए क्या दिया जा रहा है, ये सारी चीजें। अच्छा, उपचार में यानी कि बीमार हो गया पशु, उसके बाद में उसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, उपचार आता है। रिंडरपेस्ट, मुंह पक्का, खुर पक्का, यानी कि पशु कहीं पर चरने जाता है, वो उसके मुंह में कोई बैक्टीरिया है, सॉरी कीटाणु है, वो फंस जाते हैं, और वो कीटाणु उसके बाद में अगर वो पैर की सहायता से अपने नाखून चाटता है, तो वो नाखूनों में वो जो कीटाणु फंसे हुए थे वो मुंह में आ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, मृत्यु भी हो सकती है इससे। ब्लैक क्वार्टर बुखार है, एंथ्रेक्स, गलगोटू, थनेला रोग है, थनों में आता है, दुग्ध ज्वर यानी कि मिल्क फीवर बोलते हैं इसको, टिक फीवर बोला जाता, टिक फीवर आता है, फड़क्या, सर्रा, खुजली के जो रोग हैं इनके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके बाद में दुग्ध उत्पादन में भारत में दुग्ध उद्योग का विकास, श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन। आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है कहां पर, 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में आप यहां पर पढ़ेंगे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गुजरात के आनंद से जो श्वेत क्रांति थी उसकी स्थापना की थी। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है, भारत के हैं, जो अमूल, अमूल जो कंपनी आती है, अमूल दूध पीता है इंडिया, वो कंपनी है, वो वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट की थी। ऑपरेशन फ्लड है, इसके तीन चरण है, फ्लड बोला जाता है बाढ़ को, तो इसके तीन चरण है। ऑपरेशन फ्लड वन में क्या हुआ, टू में क्या हुआ, थ्री में क्या हुआ, और राजस्थान में जितनी भी सहकारी जो डेरियां काम कर रही उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस था आपका, प्रैक्टिकल अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो इस चीज के बारे में आपको पढ़ना है। और मैं ये कहूंगा कि जो पिछले साल था उससे कोई ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आज यहीं तक रखते हैं।